और आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली थी ठीक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें भी मैंने आपको पूरा आपको बताया था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालना है उससे पहले जो कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताया था वो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में बेस्ड ऑन दैट डिजाइन ठीक है सेक्शन को हमने डिजाइन किस किस टाइप से कर सकते हैं तो मैंने तीन टाइप वहां पर डिस्कस किया था आपसे पहला जो टाइप था वो क्या था हमारे पास पहला टाइप था हमारे पास बैलेंस्ड सेक्शन बैलेंस सेक्शन को हम लिमिटिंग सेक्शन भी बोलते हैं ठीक है दूसरा जो टाइप था हमारे पास वो था अंडर री ठीक है और जो तीसरा जो टाइप था सेक्शन का वो था हमारे पास ओवर इनफोर्स्ड सेक्शन तीनों को हमने अच्छे से डील कर लिया था तो मैंने आपको बताया था वो तीनों सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है वहां पर हम क्या क्या चीजों को लेते हैं ठीक है थीके? जैसे कि वहां पर हमने बात किया था डेप्थ ऑफ तो न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात किया था तीनों को ठीक है मैं बैलेंस सेक्शन में आपके पास डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है अंडर इन्फोर्स में आपके पास डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है और ओवर इन्फोर्स में ओवर इन्फोर्स बीम में आपके पास डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है ये सब सारी चीज़ के बारे में हमने बात किया था हमने अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन जो होता है और ओवर जो इनफोर्स सेक्शन होता है वो कैसे डिफरेंट होता है फेलियर कैसे आता है उसमें लिमिट स्टेट कौन पहले पहुँचता है वहाँ पर दोनों कॉम्पोनेंट में आर सी सी की जेट सी की कंक्रीट और स्टील वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया था ठीक है आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, है जिसमें आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि डिज़ाइन कैसे करते हैं सिंगली रिन्फोर्स्ड बीम को डिज़ाइन का मतलब जब भी मैं बोलूंगा ठीक है डिज़ाइन का मतलब क्या होता है आपके पास कि आपको लोड वगैरह पता होगा ठीक है आपको आप जो स्ट्रक्चर जो बना रहे हो ठीक है उसमें लोड कितना आ रहा है ये आपको पता होगा आपको पता होगा कि आप कौन सा ग्रेड का कंक्रीट और कौन से ग्रेड का स्टील आप यूज़ कर रहे हैं ये भी आपको पता रहेगा ठीक है ये सारी चीजें आपको गिवन है अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता है कि लोड कितना आ रहा है देखिए मैं आपको बताया था लोड जो रहेगा उसके लिए हमारे पास डिफरेंट आई कोड होता है जैसे कि आई 875 मैंने आपसे डिस्कस किया था आई 875 में हमने अलग अलग टाइप के पार्ट्स में हमने देखा था कि डेड लोड लाइव लोड विंड लोड स्नो लोड ये सब कितना कितना आता है तो कोई भी अगर मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे कि मान लीजिए आप एक कॉलेज बना रहे हैं या फिर मान लीजिए आप एक ऑफिस बना रहे हैं आपके हॉस्पिटल बना रहे हैं तो अगर उसमें आपको देखना है कि इसका डेड लोड कितना आता है तो आप आई एस एट पर रिफ़र करेंगे आपको वहाँ पर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर दिए रहेंगे कि अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो इतने फ्लोर की है तो उसमें कितना आपके पास डेड लोड आपको एज्यूम करना चाहिए तो यहाँ पर जो भी लोड वाला जो पार्ट होता है वो हम इस वाले आई कोड जैसे कि फोर फाइव में इसमें डील नहीं करते हम किस पर डील करते हैं आई एस एट हम उसमें डील करते हैं तो वहाँ से हम लोड को लेके आते हैं मतलब हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर हम जो बेस जो है हम जो स्ट्रक्चर जो बनाना चाहते हैं उसमें जो लोड जितना हमें एज्यूम करना चाहिए वो कितना करना चाहिए तो वो हम यूज़ करते हैं आई एस तो वहाँ से हम लोड लेके आते हैं हम वहाँ से लोड को हम पता करते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कितना आएगा उसके बाद हम बात करते हैं डिजाइनिंग की डिज़ाइनिंग में जो मेन जो आपको जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो दो चीज़ करनी होती है सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है कि क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन आपको पता करना चाहिए ठीक है आपका क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन आपको लेंथ वगैरह भी गिवन है लेंथ तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि कितने लेंथ का आपके पास जो बिल्डिंग है वो कितने लेंथ की होनी चाहिए ठीक है वो तो डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं है डिजाइनिंग का पार्ट ये है कि आपको इतना बड़ा मेंबर डिजाइन करना है मतलब मान लीजिए अगर मैं एक बीम बना रहा हूँ तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो इतनी बड़ी क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए कि इतनी सी क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए अब इसमें ज़्यादा बड़ी भी हम दे नहीं सकते क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा डायमेंशन अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन अज्यूम करके रखा कि मैं बोलूंगा बहुत ज़्यादा सेफ है लेकिन वो बीम पूरे पूरे आपके पूरे बिल्डिंग में जब होगा तो हो सकता है अगर आप ज़्यादा ओवर एस्टीमेट कर दिए तो आपके कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा ठीक है अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा आपने डायमेंशन वहाँ पे चूज़ कर लिया ठीक है तो क्या होगा अल्टीमेटली आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि पूरे बीम में अगर आप स्लैब बना रहे तो पूरे पूरे बीम में क्या बोलते पूरे स्ट्रक्चर पर वो स्लैब जाएगा तो आपका जो होगा कॉस्ट क्या होगा आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन अपन ज़्यादा कम भी नहीं रख सकते ठीक है कम रखेंगे तो क्या होगा वहां पर सेफ्टी का प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमें कैसा करना है हमें एक एग्जैक्ट एक ऐसा डायमेंशन चूज़ करना है जो हमारा सेफ भी रहे और जो हमारा क्या रहे कॉस्ट वगैरह पे भी इफेक्टिव रहे ठीक है तो इसके लिए हमें यहाँ पर डिज़ाइन का जो पार्ट होता है डिज़ाइन का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो आप ऐसा डिज़ाइन नहीं करो कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए ठीक है उतना नीड भी नहीं और आप इतना ज्यादा आपने डायमेंशन को अज्यूम कर लिया लेकिन आप ऐसा भी पुअर डिजाइन ना करो कि आपके पास वो जो स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो वो सेफ ना रहे तो आपको एकदम परफेक्ट आपको एक ऐसा डिज़ाइन रखना है मतलब आपको एक ऐसा क्रॉस सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है जो कि दोनों क्राइटेरिया को क्या कर पाए सूट कर पाए ठीक है तो बेसिकली अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन में आप दो चीजें के बारे में बात करते हैं पहला बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के बारे में ठीक है क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन के बारे में आपका जो भी स्ट्रक्चर है जैसे कि बीम हो गया स्लैब हो गया अभी तो मैं बीम के बारे में बता रहा हूँ तो अभी यहाँ बीम के ही मैं बीम की अगर मैं बात करूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा बनता है इसका ऐसा बनेगा कुछ ये क्या है ये विथ्थ है और ये क्या आपके पास ओवरऑल डेप्थ ठीक है तो इसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले वाले चीज़ में कि हमारा क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कितना होना चाहिए ठीक है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन की बात करूंगा तो ये कितना होना चाहिए ये हम डिज़ाइन में हमें निकालना होता है ठीक है सेकेंड जो होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एरिया ऑफ रोर्समेंट एरिया ऑफ री ठीक है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट में आप यहां पर क्या कर रहे हैं सिंस ये आर आरसीसी का स्ट्रक्चर है तो यहां पे कंक्रीट भी होगा और क्या होगा आपके पास री भी होगा अब यहां पर मैं बोलूँगा कि चलो यहां पर क्या कर लेता हूँ मैं पांच बार लगा लेता हूं ठीक है लेकिन पांच बार की हो सकता है मैं बहुत ज्यादा ओवर मैं क्या कर रहा हूं इसको वैल्यू यहां पर उसको होल्ड कर रहा हूं हो सकता है यहां पे पांच बार की नीड ना हो ये तीन बार में ही क्या हो आपके पास सफिशियंट यहां पर क्या दे सफिशियंट यहां पर स्ट्रेंथ और सर्विसबिलिटी दे दे ठीक है मतलब अगर हो सकता है यहां पर तीन बार की ही नीड हो तीन से ज्यादा बार की नीड नहीं है लेकिन मैंने क्या किया यहां पर पांच बार मैंने दे, दे दिया अपने डिजाइन में तो यहां पर आप बोलोगे कि अरे सर तीन है पाँच हो क्या ही फर्क पड़ जाएगा दो बार तो आपने एक्स्ट्रा डाला लेकिन आप ये देखो ना कि आपका ये जो बीम है ये पूरे स्ट्रक्चर में जाएगा ना आपका बीम ठीक है पूरा आपके मान लीजिए बहुत बड़ी आपके पास बिल्डिंग है बहुत बड़ा आपके पास कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप यहां पर ये जो दो बार जो एक्स्ट्रा जो डाले हो ये दो बार एंटायर पूरे स्ट्रक्चर में वो दो बार जो होगा वो बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड कर देगा ठीक है अब वो दो बार जो एक्स्ट्रा आपने डाला है अगर आप उसको पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप उसका कॉस्ट निकालोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर मैं डिज़ाइन में यहां पर तीन की नीड थी मैंने सिर्फ दो ही रखा तो क्या होगा आपके पास सेफ नहीं रहेगा वो ठीक है वहां पर क्या हो जल्दी उसमें फेलियर आ जाएगा तो मुझे यहां पर ऐसा डिज़ाइन करना है कि जो मैं री में जो डालूंगा वो क्या हो आपके पास एकदम परफेक्ट हो दोनों क्राइटेरिया को होल्ड करें ठीक है समझ में आया तो मेरा जो डिजाइनिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे स्ट्रक्चर पे तो ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं अगर आप मान लीजिए छोटा सा घर बना रहे हैं कुछ बना रहे तो उसमें कॉस्ट वगैरह का उतना ज्यादा आएगा नहीं फेलियर वगैरह में भी उसमें उतना ज्यादा वो वैल्यू होल्ड नहीं रखेगा लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है ये छोटी छोटी जो चीजें होती है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है ठीक है चलिए तो ये क्या था आपके पास बेसिक तज मैंने आपको बताया अब ये दोनों क्रॉस सेक्शनल का जो डायमेंशन है और जो एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट है ये मैं किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर पाऊंगा ये मैं किसकी हेल्प से फाइंड आउट करूंगा इसको मैं बेंडिंग मोमेंट की हेल्प से क्या कर सकता हूँ फाइंड आउट कर सकता हूँ ठीक है हमने एनालिसिस किया एनालिसिस में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला तो उस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को भी और उसी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको निकालना सिखाया था उसी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट कितना आएगा अब यहाँ पर मैं सिर्फ एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में बात नहीं करूँगा यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ बार्स आप लगा रहे हो ठीक है और आपके पास जो डायमीटर होना चाहिए जो आप जो स्टील का जो बार आप जो लगा रहे हो उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे क्लियर तो समझ में आए डिज़ाइन का हमारा मेन पर्पस क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइन कि आपको क्रॉस सेक्शन का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए दूसरी चीज़ आप उसमें जो ए, बार जो लगा रहे हो कितने नंबर का मतलब कितने ज्यादा कितने नंबर बार लगा रहे हैं दूसरी चीज उसका जो डायमीटर होता है ठीक है वो आप कितना ले रहे हैं या फिर टू फिफ्टी ले रहे हैं फोर वन फाइव ले रहे हैं फाइव हंड्रेड ले रहे हैं या फिर उससे भी ज्यादा ले रहे हैं तो हम वहाँ पर ये दोनों कंडीशन को हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आ रही है ठीक है तो यार क्या बताए आपको कि ये दोनों चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं दोनों एलिमेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है हमने बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखा था उसकी हेल्प से हम क्रॉस सेक्शन डायमेंशन और एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट को भी फाइंड आउट ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालना क्रॉस पर ना इसको बहुत ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे आज के में. आज के के में में हम ऑफ एनफोर्समेंट जो है इसको हम काफी ब्रीफ में करेंगे इस लेक्चर को अगर आप देख लोगे ठीक है आज का लेक्चर अगर आप शुरू से एंड तक अगर आपने देख लिया आरसी पूरा आगे तक इसके बाद स्लैब्स हो जाएगा स्लैब्स के बाद आपके पास कॉलम हो जाएगा कॉलम के बाद आपके पास फुटिंग हो जाएगा सारी चीज़ जो होगी ना वो आज के लेक्चर पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने अच्छे से इस चीज़ को समझी ठीक है आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजाइन ऑफ सिंगली रिनफोल बीम तो ठीक है यहाँ पे मैंने सिर्फ बीम लिखा है लेकिन जो मैं बेसिक जो फंडामेंटल जो चीजें जो रहेगी वो पूरे पूरे उसमें चलेगी आपके पास पूरे जितने मॉड्यूल्स हैं आरसीसी के ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और मैं आपको पहले बता रहा हूं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से बताऊंगा उसको अगर आप अच्छे से नोट कर लोगे ना तो आप कोई भी बुक से पढ़ लो ठीक है आप चाहो अपने कॉलेज के नोट से पढ़ लो आप चाहो तो कोई इंडियन ऑथर की बुक पढ़ लो आप चाहो तो कोई फॉरन ऑथर की बुक पढ़ लो किसी से भी पढ़ लो आपको चीज़ें आसान से समझ में आ जाएगी आप डिफरेंशिएट करने कर समझ जाओगे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है और वहां पर हमने क्या चीज़ पढ़ा था दोनों के बारे में आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ये चीज़ वहां से आई है जो हमने पढ़ा है ठीक है हर एक बुक में अगर आप देखोगे ना थोड़े अलग अलग मेथड से वहां पर डिज़ाइन करते हैं हम यहाँ पर एक बाय एक सारे मेथड्स को हम देख लेंगे ठीक है तो चलिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हमने क्या देखा था हमने देखा था बैलेंस सेक्शन टाइप ऑफ सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ सेक्शन में सबसे पहले हमने देखा था बैलेंस सेक्शन उसके बाद हमने देखा था क्या उसके बाद हमने देखा था अंडर री इनफोर्स सेक्शन और थर्ड हमने देखा था ओवर री इनफोर्स्ड सेक्शन ठीक है थर्ड हमने देखा था ओवर री इन्फोर्स्ड सेक्शन तो मैंने क्या बताया कि हमें यहाँ पर दो जो चीजें फाइंड आउट करनी है क्या क्या वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट बोट डिपेंड ऑन द मोवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और द बेंडिंग मोवमेंट फॉर्मूला ठीक है जो आरसी का जो बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे उस पर डिपेंड करता है उसी के रिस्पेक्ट में हम दोनों चीजें निकालेंगे तो so, सबसे पहले अगर मैं बैलेंस सेक्शन की बात करूं सबसे पहले मैं क्या करूं यहां पर बैलेंस्ड सेक्शन की बात करूं बैलेंस सेक्शन को हम और क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग सेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग सेक्शन क्लियर तो इसकी बात करते हैं तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला जो आपको बताया था उस पर डिपेंड करता है तो अगर मैं यहां पर आपसे एम यू लिमिट की बात करूं लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया था जब आपको मैं बैलेंस सेक्शन पढ़ा रहा था तो क्या बताया था मैंने आपको कि एमयू लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इन टू बी डी स्क्वेयर ठीक है ये हमने देखा था अच्छा एक बार आप एक बार फिर से देख लीजिए स्मॉल डी कैपिटल डी पे बिल्कुल भी क्या करना है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ठीक है ये टोटल क्या है आपके पास डी जो है ये क्या है आपके पास दिस इज ओवरऑल डेप्थ दिस इज ओवरऑल डेप्थ ये क्या आपके पास स्मॉल बी क्या आपके पास दिस इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ये क्या आपके पास विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम यहां पर क्या लगाया आपने यहां पर आपने लगाया रोर्समेंट ठीक है यहां पर क्या लगाया आपने री एनफोर्समेंट रोर्समेंट का जो सेंटर है वहां से लेकर पूरा बॉटम मोस्ट तक इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर इसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव कवर क्लियर और जो टॉप मोस्ट से लेकर आपके पास जो सेंटर ऑफ द रिइंफोर्समेंट है इसको हम बोलते हैं स्मॉल डी और स्मॉल डी क्या आपके है आपके पास स्मॉल डी है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ठीक है आपके पास इफेक्टिव डेप्थ आपने देखा है पहले भी इस पर कंफ्यूज तो होंगे नहीं लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूज हो गए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी अगर आप यहाँ पे डी की जगह इस कैपिटल डी ले लिए तो काम तमाम हो जाएगा कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी ले लिए तो भी आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास गलत आएगी ठीक है ठीक है आपके पास कैपिटल डी तो यहां पर अगर मैं स्मॉल डी की बात करूं तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा आपके पास ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव क्या हो जाएगा ये कवर इतना तो आपको पता है इफेक्टिव कवर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप वहां पर एज्यूम कर लेना अज्यूम कितना कर लोगे थर्टी फोर्टी फिफ्टी जितना भी आप एज्यूम करना चाहो उतना आप एज्यूम कर सकते हो इसके लिए प्रॉपर ऐसे कोई एकदम स्ट्रिक्ट आपके पास कोई बताया नहीं गया कि एकदम आपको पंद्रह लेना है या बीस ही लेना है उसके ऊपर या नीचे ले नहीं सकते ये आप डिपेंड करता है कितना लेना चाहो लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सपोजर कंडीशन में मैंने आपको नॉमिनल कवर वगैरह के बारे में बताया था फेक्टिव कवर कितना ले लोगे बीम के रेस्पेक्ट में ट्वेंट थर्टी फोर्टी अराउंड इस टाइप के रेंज में आपको क्या लेना पड़ेगा एफेक्टिव कवर ठीक है तो ये तो आपके पास बात थी क्रॉस सेक्शन की ठीक है मैं क्या बता रहा हूं यहां पर हम किसको देख रहे हैं बैलेंस सेक्शन को हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन में मैंने क्या बताया सबसे पहले अगर मैं एमयू लिमिट निकालूंगा तो एमयू लिमिट क्या होता है आपके पास क्यू इंटू बी डी स्क्वायर ये मैंने आपको पहले बता दिया था ठीक है अब ये कहां से आया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ठीक है पहले तो मैंने आपको सीधा सीधा लिखवा दिया था क्यू इंटू बी डी स्कर तो अगर मैं एमयू लिमिट निकालू ठीक है अगर मैं एमयू लिमिट निकालू बेस्ड ऑन द कंप्रेशन जोन से मैं निकाल रहा हूं ठीक है तो यहां पर क्या होता है आपके पास सी इंटू लीवर आर्म सी इंटू क्या होता है आपके पास लीवर आर्म मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं C कितना होता है आपके पास 0.36 FC के B इंटू एक्स बैलेंस सेक्शन है तो XU कितना हो जाएगा आपके पास XU लिमिट के बराबर हो जाएगा इन टू कितना होता है आपके पास डी माइनस पॉइंट फोर टू इंटू एक्स यू लिमिट ठीक है वो लेते हैं लेकिन बैलेंस सेक्शन में हम क्या लेते हैं यहां पर एक्स यू लिमिट लेते हैं है, है. है? है. ठीक अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो लिमिटिंग डेप्थ होती है एक्स यू जो लिमिटिंग डेप्थ होती है वो किसके बराबर होती है के इन डी के बराबर एक्स यू लिमिट का फॉर्मला बताया था एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू तो के इन डी के मैंने आपको बता दिया था पहले हमने डिस्कस कर लिया था डी के आपके पास इफेक्टिव कवर इनटू क्या हो जाएगा लीवर आओ पॉइंट फोर टू के डी ठीक है यहाँ तक क्लियर चलिए डी को मैं बाहर ले लेता हूँ डी को मैंने वहाँ से कॉमन ले लिया कितना हो जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के बी इन के B इंटू डी स्क्वायर यहाँ का D और यहाँ का D मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन लेके मैं क्या कर दिया उसको बाहर कर दिया ठीक है तो ये कितना हो जाएगा D को मैंने बाहर कर दिया इंटू क्या हो जाएगा ये K इंटू वन माइनस पॉइंट फोर टू इंटू के यहाँ तक समझ में आया चलिए इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एम यू लिमिट जो है एम यू लिमिट कितना हो जाएगा आपके पास Mu लिमिट हो जाएगा आपके पास पॉइंट थ्री सिक्स इन टू एफ सी के इन टू k इंटू वन माइनस पॉइंट फोर टू इंटू के इंटू क्या हो जाएगा ये बी डी स्क्वायर यहाँ तक क्लियर है कोई दिक्कत है नहीं आपको मैंने क्या किया बस एक्स यू लिमिट जो था एक्स यू लिमिट मैंने कितना पुट कर दिया ये के इंटू डी ये मैंने आपको पहले बता दिया था लिमिटिंग डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस हमने अच्छे से डिस्कस किया है पहले ठीक है तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास ये क्वेश्चन आ गया अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास जे जे मैं बोल रहा हूँ जे क्या होता है आपके पास इसको मैं बोल रहा हूँ लीवर आर्म फैक्टर बोल दे रहा हूँ जे के आपके पास लीवर आर्म फैक्टर और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी वन माइनस पॉइंट फोर टू के ठीक है ये कितना हो जाएगा वन माइनस पॉइंट फोर टू के तो यहां पर ये वाली जो वैल्यू है वन माइनस पॉइंट फोर टू के इसको मैं क्या लिख ले रहा इसको मैं लिख दे रहा हूँ किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जे से तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के के इंटू जे इंटू क्या हो जाएगा ये बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा पॉइंट थ्री सिक्स इंटू के इंटू जे इंटू क्या हो जाएगा ये एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर ठीक है और ये वाला जो टर्म है पॉइंट सिक्स के इंटू जे इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q से Q क्या होता है आपके पास मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर बोल रहा हूँ मैं इसको एक कॉन्स्टेंट से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ये सब क्या है कॉन्स्टेंट है K क्या है आपके पास K एक कॉन्स्टेंट है ठीक है J क्या है आपके पास ये एक कॉन्स्टेंट है और Q के आपके पास Q भी एक कांस्टेंट है इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं इसको मैं नाम दे दिया मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर Q किसकी वैल्यू है ये किसके बराबर है ये पॉइंट थ्री सिक्स इन टू के इन टू जे यहां तक समझ में आया तो मैं एम यू लिमिट फाइनल मेरा जो एम यू लिमिट है उसको मैं क्या बोल सकता हूं उसको मैं बोल सकता हूं Q इन टू एफ सी के इन टू बी डी स्क्वायर ठीक है पहले मैंने आपको बोला था Q इन टू बी डी स्क्वायर ठीक है आप वैसा भी लिख सकते हो कहीं कहीं पर कोई लोग यहाँ पर क्यू इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर बोलते हैं कोई कोई एफ सी के को भी q के अंदर ही ले लेते ले हैं मतलब यहाँ पर पॉइंट थ्री सिक्स एफ सी के इन टू के इन टू जे ले लेते ले हैं मैं यहाँ पर एफ सी के को मैं अलग से लिख, लिख ले रहा हूँ ठीक है मैं यहाँ पर एफ सी के को अलग से लिख ले रहा हूँ आप चाहो तो एफ सी के को इस फैक्टर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो मतलब यहाँ पर इंटू एफ सी के इंक्लूड कर सकते हो ठीक है चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं फाइनल लिख ले रहा हूँ मैं एमयू लिमिट क्या है हमारे पास एमयू लिमिट है क्यू इंटू एफ सी के बी डी स्क्वेयर ठीक है चलिए Q क्या है आपके पास सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये सारी चीजें जितने भी कॉन्स्टेंट है K हो गया J हो गया और क्या हो गया आपके पास Q ये तीनों कॉन्सटेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ K क्या है हमारे पास K है 700 हंड्रेड अपऑन इलेवन हंड्रेड प्लस पॉइंट एट सेवन एफ फाइव जे क्या है हमारे पास लिवर आर्म फैक्टर ये कितना बताया मैंने वन माइनस पॉइंट फोर टू इंटू के और क्यू जो मैंने बताया आपको क्यू क्या है हमारे पास पॉइंट थ्री सिक्स के इंटू जे ठीक है ये तीनों कांस्टेंट जो है आप मेरे को बताइए तीनों कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील ठीक है ये ना आपके पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड कर रहे हैं ये ना आपके पास जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहे हैं ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहे हैं क्या एफ वाई एफ वाई मतलब आप जो स्टील जो यूज कर रहे हो वो एफ ई टू फिफ्टी है कि फोर हंड्रेड टेन है कि आपके पास फाइव हंड्रेड है उस पर डिपेंड कर रहे हैं तो सिर्फ ये इस पर डिपेंड करेगा तो आपको के मिल जाएगा के मिल जाएगा तो आपको जे मिल जाएगा के और जे दोनों मिल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा क्यू और क्यू मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा आपको बैलेंस सेक्शन का एमयू लिमिटिंग आपको मिल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर तो सिर्फ ये एफ वाई पे डिपेंड कर रहे हैं तो अपन यहां पर देख लेते हैं ये कि आपके पास एफ वाई दिस इज के दिस इज जे एंड दिस इज क्यू ठीक है वैल्यूज देख लेते हैं वैल्यूज क्या कर लेते हैं हम वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो जब आप एफ ई टू फिफ्टी रखोगे एफ़ ई टू फिफ्टी रखोगे तो के की वैल्यू मैंने आपको बता दिया था पहले कितना आता है पॉइंट फाइव थ्री ठीक है सिमिलरली जब आप एफ ई फोर वन फाइव रखेंगे तो आपके पास जो के की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपके पास पॉइंट फोर एट और जब आप एफ ई की वैल्यू कितना रखेंगे फाइव हंड्रेड रखेंगे तो आपके पास जो के की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी पॉइंट फोर सिक्स ठीक है पेन ले ले दो मैं एक अच्छा वाला तो यहाँ तक क्लियर है आपका ये कितना आया था आपके पास पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फोर एट और पॉइंट फोर सिक्स कोई कोई स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर क्या इतनी सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी देखिए याद रखने वाली तो बात है आर में कभी भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो अभी तो स्टार्ट की हो आर ठीक है जब आप आर के जब कोडल प्रोविजन वगैरह में जाओगे कोडल प्रोविजन में जाओगे तो आपको हर एक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए वहां पर ठीक है ई एस सी में गेट में हर जगह से आपके पास सीधा सीधा आई एस कोडल प्रोविजन कोडल प्रोविजन का मतलब क्या है कि मतलब वो प्रो जो कोड आपको कितना बता रहा है कि कोई वैल्यू को लेने के लिए ठीक है अब आपके पास जो एग्जाम में जाओगे तो आप आई कोड लेके तो जाओगे नहीं तो आपको मेनली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसकी आपको वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ठीक है आपको वहां पर वैल्यूज याद होनी चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि यार इतनी सारी वैल्यूज याद कैसे होगा जब आप करते जाओगे ना आर जब आप पढ़ते जाओगे ना तो ये सब चीज़ें ना एकदम मूँह बोली मुंह जमानी याद हो जाएगी आपको बाद में ठीक है तो ज़्यादा वरी मत करो कि ये सब वैल्यूज़ कैसे याद होगी आपको धीरे धीरे पेशेंस रखेंगे सारी वैल्यूज़ याद हो जाएगी ठीक तो हमने के की वैल्यूज हमने पहले देख लिया था जब मैं आपको बैलेंस सेक्शन पढ़ा रहा था ठीक है तो यहाँ तक ये वाली वैल्यू हमें पता थी अब हमें क्या करना है टू के लिए हमें जे निकालना है एफ ई टू फिफ्टी के लिए जे की वैल्यू निकालना है तो कितना के की वैल्यू कितनी आई है पॉइंट फाइव थ्री तो अगर मैं एफ ई टू फिफ्टी के लिए अगर मैं जे की वैल्यू निकालूंगा तो कितना रखूँगा वन माइनस पॉइंट फोर टू इंटू पॉइंट फाइव थ्री ठीक है तो यहाँ पर मैंने वन माइनस पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव थ्री जब हम करेंगे तो हमें क्या होगा यहाँ से जे की वैल्यू मिल जाएगी और जे की वैल्यू आएगी आपके पास पॉइंट अराउंड पॉइंट सेवन सेवन के आसपास कुछ वैल्यू आएगी सिमिलरली जब आप के की वैल्यू पॉइंट फोर एट रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी अराउंड पॉइंट सेवन नाइन सिमिलरली जब के की वैल्यू आप पॉइंट फोर सिक्स रखेंगे तो एफ ही फाइव हंड्रेड के लिए जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पॉइंट एट ज़ीरो ठीक है ये वाली वैल्यू ये जे की वैल्यू आपको उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट होता है क्यू की वैल्यू ठीक है तो अगर टू फिफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ तो के कितना हमारे पास पॉइंट फाइव थ्री और जे कितना हमारे पास पॉइंट सेवन सेवन तो अगर मैं क्यू निकालूंगा तो क्यू कितना हो जाएगा पॉइंट थ्री सिक्स इंटू पॉइंट फाइव थ्री इंटू जे कितना है हमारे पास पॉइंट सेवन सेवन तो अगर आप ये निकालोगे तो आपके पास वैल्यू अराउंड कुछ पॉइंट वन फोर एट वन फोर एट आएगी तो ये कितना है आपके पास पॉइंट वन फोर एट सिमिलरली इसके लिए अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास पॉइंट वन थ्री एट और इसके लिए अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास पॉइंट वन थ्री थ्री समझ में आया तो जब भी आप एमयू लिमिट निकालना है एमयू लिमिट जब भी आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा एमयू लिमिट ना लोड वगैरह पे तो डिपेंड ही नहीं करता आपके जो स्ट्रक्चर है आप में आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें लोड कितना आ रहा है आपका जो स्ट्रक्चर है उस पर बेंडिंग मोमेंट वगैरह कितना आ रहा है मतलब लोड के कारण आपके पास जो वैल्यू आ रही है उस पर डिपेंड ही नहीं करता हमें लोड को जानने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ क्या चाहिए हमें क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन चाहिए क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन चाहिए और साथ में दोनों ग्रेड चाहिए मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी चाहिए और ग्रेड ऑफ स्टील भी चाहिए ग्रेड ऑफ स्टील से ग्रेड ऑफ स्टील से आप क्यों निकाल लेंगे ठीक है ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और क्रॉस सेक्शन के आपके पास जो भी वैल्यू रहेगी वो आप पुट करेंगे तो आपको यहां पर एमयू लिमिट आपको मिल जाएगा तो so, समझ में आया कि सबसे पहले क्या है आपके पास जो बैलेंस जो सेक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग सेक्शन भी बोलते हैं उसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो एमयू लिमिट का फॉर्मूला ठीक है इतना सब चीज़ भूल जाइए क्या किए हमने क्या नहीं किए एमयू लिमिट सीधा सीधा कैसे निकालना है हमें एमयू लिमिट निकालना है हमें क्यू इन टू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर क्लियर यहां से आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से एमयू लिमिट आपको मिल जाएगा तो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंड स्टेप में अगर मैं बात करूं बैलेंस सेक्शन के तो सेकेंड स्टेप में अगर मैं बोलूं डेप्थ निकालना है मुझे डेप्थ ऑफ बैलेंस सेक्शन डेप्थ ऑफ क्या निकालना है मुझे बैलेंस्ड सेक्शन ठीक है तो यहां से आप क्या किए आप यहां पर एम यू लिमिट एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर तो अगर मैं डी की बात करूं तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास म्यू लिमिट अपॉन क्यू अपॉन एफ सी के इंटू बी अंडर रूट कितना हो जाएगा ये एम यू लिमिट अपॉन क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी ठीक है यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ से निकाल सकते हैं डेप्थ ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन अब आप बोलोगे कि सर ये डेप्थ अगर हमें पता नहीं था अगर हमें डेप्थ नहीं पता था तो हमने अल्टीमेट ये लिमिटिंग मोमेंट हमने कैसे निकाल लिया क्योंकि यहां पर भी तो हमें डेप्थ चाहिए ठीक है इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें अज्यूम करना पड़ता है ठीक है यहां पर हमें क्या करना पड़ता है अज्यूम करना पड़ता है सबसे पहले जब आप ये निकालेंगे तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे आ, मैं यहां पर लिख लेता हूं जब आप शुरू में क्या करेंगे आप यहां पर ना चीज़ों को अज्यूम करके चलेंगे ठीक है आप चीज़ों को क्या करेंगे अज्यूम करके चलेंगे तो एक नोट करके लिख लेना नोट करके आप लिख सकते हैं अज्यूम अज्यूम ओवरऑल डेप्थ अज्यूम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज स्पैन बाय टेन टू स्पैन बाय फिफ्टीन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ठीक है फॉर क्या लेना आपको सिंपली सपोर्टेड बीम बीम जो स्पैन जो ले रहा हूँ मैं यहां पर इफेक्टिव स्पैन के बारे में बात करेंगे तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालना है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आप कितना रखेंगे जो भी आपको स्पैन दिया रहेगा उसको डिवाइड बाई टेन या फिर डिवाइड बाई फिफ्टीन करेंगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा आपको ओवरऑल डेप्थ आप वहां से अज्यूम कर लेंगे ठीक है क्या किया आपने अज्यूम कर लिया डेप्थ मिल गया अच्छा इफेक्टिव डेप्थ मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे डी बताए तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे यहाँ से डी माइनस क्या करेंगे इफेक्टिव कवर को जो कि आप अज्यूम करके लिए होंगे वो भी आप क्या करेंगे निकाल लेंगे होगा क्या कि आपने जो अज्यूम किया है ठीक है आपने जो अज्यूम किया है और यहाँ से क्या निकालना है आपको यहाँ पर निकालना है रिक्वायर्ड ठीक है आपको यहाँ पर क्या निकालना है आपको निकालना है डी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपको यहां से जो डी रिक्वायर्ड जो मिलेगा ना वो लेस देन होना चाहिए किससे डी अज्यूम्ड से ठीक है तब आपके पास क्या होगा आपके पास कंडीशन जो रहेगी वो क्या होगी यहां पर सेफ होगी ठीक अभी जस्ट मैं बता दे रहा हूं हो सकता है आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा आप बोलोगे कि सर क्या वहां पर हमने तो निकाल लिया स्मॉल डी आप यहां पर फिर निकाल दे रहे हो देखो यहां पर हमने अज्यूम किया मान के चलिए मैंने यहां पर स्मॉल डी की वैल्यू मैंने बोला सिक्स हंड्रेड आई है मैंने क्या किया यहाँ पर अज्यूम करके मैंने मेरी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई मेरे पास 600 हंड्रेड mm एम आई है अब यहाँ पर जब मैं उसके बाद जब मैं रिक्वायर्ड डेप्थ में देखा अज्यूम मैंने कितना कर लिया डिज़ाइनिंग के लिए सिक्स मैं यहाँ पर जब रिक्वायर्ड देखा तो मेरी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है फोर आई कितनी आई मेरे पर रिक्वायर्ड 450 फिफ्टी mm. एम इसका मतलब मुझे जो बीम जो बनाना है उसमें रिक्वायर्ड जो आपके पास जो डेप्थ होनी चाहिए वो 450 फिफ्टी mm एम अगर होगी तो सही है ठीक है उससे कम नहीं होना चाहिए रिक्वायर्ड जो है आपके पास 450 फिफ्टी mm एम तक आपके पास होनी चाहिए उससे कम आपके पास डेप्थ नहीं होना चाहिए लेकिन मैंने अज्यूम क्या किया मैंने मैं तो और ज़्यादा के लिए सेफ साइड जा रहा हूँ 600 हंड्रेड mm एम ले लिया वहां पर तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो कंडीशन मैंने लिया है वो क्या है मेरे पास रिक्वायर्ड इज लेस देन क्या आ रहा है एज्यूम्ड आ रहा है मतलब क्या है सही है कंडीशन अगर रिवर्स हो गई मैंने यहाँ पर अज्यूम्ड मैंने यहाँ पर किया फोर फिफ्टी एम ठीक है मैं शुरू में अज्यूम करके ले चल रहा हूं कि मैं जो डिजाइन कर रहा हूं मैं जो सेक्शन बना रहा हूं कितने का बना रहा हूं मैं उसकी डेप्थ है फोर फिफ्टी एम की लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि आपके पास जो रिक्वायर्ड जो होना चाहिए डेप्थ ठीक है मिनिमम आपके पास जो जितना होना चाहिए वो होना चाहिए सिक्स हंड्रेड मतलब सिक्स हंड्रेड के बीम डेप्थ के रिक्वायर्ड है लेकिन मैं शुरू में कितना कितने के लिए डिज़ाइन कर रहा था मैं सिर्फ फोर फिफ्टी के लिए कर रहा था तो क्या वो सही है नहीं वो क्या हो जाएगा आपके पास फेल हो जाएगा तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा जो मैंने अज्यूम किया हूँ उसकी वैल्यू को हटा के मुझे इससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्लियर है तो हमेशा आपके पास जो रिक्वायर्ड जो डेप्थ होगी वो अज्यूम्ड से क्या होनी चाहिए आपके पास हमेशा कम होनी चाहिए तभी आपके पास जो सेक्शन जो है वो क्या होगा आपके पास सेफ साइड में जाएगा ठीक है तो यहां से आप क्या कर लोगे यहां से आप ले लोगे क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बताया था दो चीज़ क्या बताया था डिज़ाइनिंग में पहला कि आपको क्रॉस सेक्शन निकालना है दूसरा क्या निकालना है आपको दूसरा निकालना है आपको एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट तो आपको समझ में आया देखिए क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं मतलब यहां डेप्थ की बात कर रहा हूं अब आप बोलोगे सर डेप्थ की बात कर रहे हो अब यहां पर तो विथ भी है विथ के बारे में तो बात किया नहीं ये भी तो क्या है आपके पास क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन है तो विथ आप या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा विथ्थ या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना तो आप यहाँ पर जो आप अज्यूम कर रहे हो ना इसका टू थर्ड ले लेना आप विथ्थ कितना ले लेना आप टू थर्ड के राउंड आप क्या ले लेना वहां पर विथ्थ को अज्यूम कर लेना होगा क्या आपके पास अगर मान लीजिए आप विथ को अगर आप ज्यादा अज्यूम करें ना तो आपके पास डेप्थ जो होगा वो कम आएगा अगर आप विथ्थ को कम अज्यूम करें तो डेप्थ जो होगा वो ज्यादा आएगा अल्टीमेटली जो एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो नेवर वो अराउंड सेम ही होगा ठीक है मतलब डेप्थ विथ्स को मैंने कितना बोला विथ्थ को अगर आपके पास गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो अराउंड वो टू थर्ड ऑफ द डेप्थ आप ले लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्लियर है तो यहां पर हमने क्रॉस सेक्शन के बारे में समझा कौन से टाइप के सेक्शन के लिए हमने यहाँ पर समझा बैलेंस सेक्शन के लिए मैंने आपको दो पहले ही बताया कि आपके पास क्रॉस सेक्शन और जो एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट है वो किसके थ्रू हम निकालेंगे हम वो निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू तो हमने यहाँ पर एम लिमिट निकाला एमयू लिमिट से हमने यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बात की तो हमने यहाँ पर डेप्थ निकाल लिया और विथ भी आप क्या कर लोगे आप अज्यूम कर लोगे ठीक है नेक्स्ट अपन देखते हैं ये क्या था आपके पास बैलेंस सेक्शन था इसके बाद यहाँ पर बात करें अगर मैं बात करूँ आपसे अंडर इनफोर्स सेक्शन के बारे में ठीक है यहां पर हम बात करेंगे अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में तो ये बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बैलेंस में आपको जो एमयू लिमिट जो बताया मैंने एमयू लिमिट कितनी है हमारे पास एमयू लिमिट का फॉर्मूला क्या है क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर ठीक है तो क्यू का आपके जो वैल्यू है कौन कौन सी एफ ई टू फिफ्टी के लिए पॉइंट वन फोर एट फोर वन फाइव के लिए पॉइंट वन थ्री एट और 500 के लिए पॉइंट वन डबल थ्री ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर लोगे आप एम लिमिट वहां से निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है तो सेकेंड की बात करूं मैं सेकेंड में क्या देख रहा हूं मैं कौन सा टाइप का सेक्शन है ये अंडर इनफोर्स सेक्शन तो यहां पर मुझे क्या निकालना है अगेन मुझे यहाँ पर निकालना है क्या मुझे यहाँ पर निकालना है क्रॉस सेक्शन अभी तो मैं क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है चलिए क्रॉस सेक्शन में आपको ये पता है अंडर इन सेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो एक्स यू होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास एक्स यू लिमिट से क्या होता है वो कम होता है हमने इसका अच्छे से हमने स्ट्रेन डायग्राम बना के देख लिया था सिमिलरली एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसका जो अल्टीमेट जो मोमेंट होता है वो क्या होता है आपके पास लिमिटिंग मोमेंट से क्या होता है वो कम होता है ठीक है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था और जब भी मैं आपको आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह निकाल रहे हैं तो आप वहां पर एक्स यू रखेंगे एक्स यू लिमिटिंग नहीं रखेंगे ठीक है तो यहां पर क्या होगा अब हमें यहां पर एम यू लेना है और क्या लेना है हमें एक्स यू लेना पड़ेगा ठीक तो यहां पर आप क्या करेंगे एम यू लिमिट तो आपको निकालने आता है बैलेंस सेक्शन में आपको बता दिया सीधा सीधा क्या करना है क्यू इन एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर करके आप एम यू लिमिट निकाल लेंगे अब आप बोलोगे सर एम यू कैसे निकालूंगा तो यहाँ पर आपको लोड की जरूरत पड़ेगी ठीक है बैलेंस सेक्शन में आपको लोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको यहाँ पर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट गिवन होगा गिवन में क्या क्या रहेगा आपके पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेड ऑफ स्टील ठीक है जो लोड जो लग रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड आ रहा है बीम के ऊपर जो लोड आ रहा है वो ठीक है और मैं आपको बताया विट या तो गिवन रहेगा या फिर क्या होगा आप उसको अज्यूम कर लेना क्लियर है चलिए यहां पर आपको ये सारी चीजें गिवन है अब हमें करना है क्या है अब हमें देखना पड़ेगा यहां पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले निकालना पड़ेगा मुझे इफेक्टिव लेंथ ठीक है यहां पर आपके पास स्पैन भी आपको गिवन होगा ठीक है स्पैन भी क्या होगा आपके पास गिवन होगा तो इफेक्टिव लेंथ अगर मैं निकालू इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होता है अगर यहां पर आपके क्वेश्चन में तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर सीधा सीधा इफेक्टिव लेंथ आपके इफेक्टिव लेंथ आपके पास गिवन होगा इन केस मान लीजिए आपके पास क्लियर स्पैन गिवन हो इफेक्टिव स्पैन की जगह क्या दिया हो आपके पास क्लियर स्पैन गिवन हो क्लियर स्पैन और इफेक्टिव स्पैन का मीनिंग समझ लीजिए मान लीजिए क्या आपके पास ये है हाँ आपके पास बीम ठीक है ये क्या आपके पास बीम साइड व्यू बता रहा हूं मैं ठीक है ये क्या आपके पास सॉरी फ्रंट व्यू बोल सकते हैं आप इसको ये क्या आपके पास लेंथ है और यहां पर क्या लगा है ये आपके पास री है ठीक है और ये क्या आपके पास सपोर्ट्स हैं तो अगर मैं इफेक्टिव लेंथ की बात करूं तो इफेक्टिव स्पैन जो होता है वो क्या होता है इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है दोनों सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है आपके पास एल इफेक्टिव लेकिन अगर मैं क्लियर स्पैन की बात करूंगा तो क्लियर स्पैन जो होता है वो होता है ये मतलब आपके पास जो एंड से आपके पास जो है इनर एंड से आपके पास जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन अगर मैं एल इफेक्टिव की बात कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर आपके पास दोनों में से आप मिनिमम ले लेना पहला तो आपको दिख ही रहा है क्या कि क्लियर स्पैन प्लस अगर इसको मैं बोल रहा हूं थिकनेस है ये ये क्या आपके पास थिकनेस है ठीक है तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपके पास एल प्लस टी बाई टू प्लस टी बाई टू ठीक है या फिर आप यहां से आप क्या ले लेना एल प्लस डी दोनों में आपके पास जो मिनिमम जो वैल्यू आएगी ठीक है जो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा आपके पास एल इफेक्टिव आपको यहां से मिल जाएगा ठीक है मैं क्या बता रहा हूं अभी अंडर इनफोर सेक्शन बता रहा हूं एल इफेक्टिव आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एल इफेक्टिव ना आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में ज्यादा वरी मत करिएगा कि सर ये क्या हो रहा है करके ये जस्ट मैं ऐसे बता दिया इनके अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्वेश्चन में अगर गिवन है क्लियर स्पैन गिवन है वहां से एफेक्टिव स्पैन आप निकाल लेना ठीक है पहला स्टेप क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या देखना है नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर ओवरऑल डेप्थ के बारे में तो ओवरऑल डेप्थ वगैरह मैंने आपको बता दिया कितना है वो ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी वो कितना लेंगे आप उसको आप इफेक्टिव स्पैन अपॉन टेन अज्यूम कर लेना इसको ठीक है क्या करना है हमें अज्यूम कर लेना ठीक है वहाँ से आप इफेक्टिव कवर को लेके स्मॉल डी भी अज्यूम कर लोगे थर्टी फोर्टी जितना भी आपको गिवन होगा या फिर आप उसको अज्यूम करके आप यहाँ से क्या कर लोगे इफेक्टिव डेप्थ भी आप वहाँ से निकाल लोगे ठीक है मैं अभी पूरा क्या कर रहा हूँ अभी मैं अंडर इनफोर्ड सेक्शन का बता रहा हूं मैंने आपको बैलेंस सेक्शन का आपको बता दिया था कि आपको जो रिक्वायर्ड जो डेप्थ है वो कितनी आनी चाहिए वो सारे हमने बता दिया था जो भी आप अज्यूम करोगे उससे कम आनी चाहिए ठीक है सिमिलरली मैं क्या बता रहा हूँ आपको अंडर इन सेक्शन में भी आपको बता रहा हूँ अगर इनकेस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है तो मैं आपको शुरू से हमेशा बताया कोई भी चीज अगर शुरू में समझ नहीं आती है तो बस एक एग्जाम्पल करने की देरी होती है जैसे आप एक एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो वरी मत करना सबसे पहले स्टेप में क्या करना है हमें अंडर इन फोर सेक्शन के डिजाइन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें उसका फाइंड आउट करना है उसका क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन मतलब उसकी विथ्थ और उसका डेप्थ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए सबसे पहले मैं अज्यूम कर ले रहा हूं अज्यूम क्या कर ले रहा हूं कि मैं डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ को मैं क्या कर ले रहा हूं अज्यूम कर ले रहा हूं सिमिलरली आपको यहां पे विथ्थ भी गिवन होगी इन केस अगर विथ्थ गिवन नहीं है तो अब अराउंड टू थर्ड ऑफ द डेप्थ आप ले सकते हो ठीक है सेकेंड सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप सेकेंड स्टेप में आप पूरा लोड निकालेंगे लोडिंग कंडीशन जो रहेगी ना उसके कारण आप क्या निकालेंगे जैसे कि आपको यहां पे डब्ल्यू यू दिया है आपको यहां पे डब्ल्यू यू दी है तो हो सकता है डब्ल्यू यू जो है उसकी जगह पे आपको बोल दिया डेड लोड और लाइव लोड आपको अलग अलग दे दिया गया है तो आप यहां से क्या करेंगे आप लोड निकाल लेंगे डब्ल्यू यू दैट इज लाइव लोड प्लस डेड लोड ठीक है और भी अलग टाइप की कोई लोड रहेगी तो उसको भी आप क्या करेंगे ऐड कर लेंगे थर्ड थर्ड हमें मेन क्या निकालना था यहाँ पर हम ये सब जो चीज कर रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एम यू लिमिट लेके नहीं चल सकते बैलेंस सेक्शन में हम क्या किए थे सीधा सीधा हमें एम यू लिमिट का फॉर्मूला हमें पता था हम एमयू लिमिट मैं आपको पहले बताया था क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट सीधा सीधा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं तो बैलेंस सेक्शन के लिए हमें इतना सब कुछ करने की नीड नहीं थी डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला था बैलेंस सेक्शन के लिए लेकिन अंडर इनफोर्ड सेक्शन में कंडीशन क्या हो जाती है कि हमारे पास जो मोमेंट जो है वो किससे कम होता है एम लिमिटिंग से कम होता है तो हमें ये एम निकालना पड़ेगा अब मोमेंट जो आप निकालोगे वो किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे लोड के रेस्पेक्ट में निकालोगे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसके कारण आएगा जो लोड लगेगा उसी कारण आएगा तो हमने लोड निकाल लिया ठीक है लोड क्या है आपके पास डेड लोड और लाइव लोड जो भी रहेगा वो दोनों को ऐड करके आप क्या निकालोगे लोड निकालोगे अब हमें क्या निकालना है एम यू निकालना है बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास देखिए ये सारे कैसे लगेंगे आपके पास एज अ यूडीएल लगेंगे तो एम यू क्या हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू यू इन टू एल एफेक्टिव का होल स्क्वायर अपॉन एट सर ये फार्मूला कहाँ से आया साम से नॉर्मल हम देखे थे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास अगर एक यूडीएल अगर आपके पास लगा हुआ है अब आप बोलोगे सर यू डी एल क्यों लगाए पूरा बीम है ना पूरा बीम है तो पूरे बीम पे लोड आएगा ऐसा तो है नहीं बीम के सिर्फ सेंटर पे लोड आ रहा है या फिर बीम के सिर्फ एंड पे लोड आ रहा है जो स्लैब का जो लोड जो बीम पे आएगा वो तो एंटायर पूरे बीम पे आएगा तो पूरे बीम पे कैसे आएगा वो एज अ यू डी एल आएगा तो इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट देखूँ तो उसका बैंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा आएगा तो टॉप पॉइंट आपके पास जो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट तो यहाँ पर डब्ल्यू यू हमें गिवन रहेगा एल इफेक्टिव हमने निकाल लिया था या फिर गिवन रहेगा वो भी गिवन होगा नहीं गिवन होगा तो हम यहाँ से निकालना बता दिया मैंने आपको डिवाइड बाई एट कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको पेंडिंग मोमेंट ठीक है तो आपने एम यू निकाल लिया अब ये वाला एम यू आप चेक कर लेना किससे एम यू लिमिटिंग से जो फार्मूला जो आपको बताया था मैं वो दोनों फार्मूला में कंपेयर कर लेना अगर एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग है तो सेक्शन को आप कैसे डिजाइन uh, करोगे आप अंडर इनफोर सेक्शन आप डिज़ाइन करोगे बेसिकली ये ये पहले से आपको पता नहीं होता है हम क्या करते हैं हम यहां से स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना जब हम एम यू निकालते हैं एम यू और एम यू लिमिटिंग को कंपेयर करके हम देखते हैं अगर एम यू हमारे पास कम आया है इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन में चले गया है हमारे पास जो मोमेंट है वो लेस आ रहा है लिमिटिंग से तो मतलब कौन सा कंडीशन है वो अंडर इनफोर्स का कंडीशन है ठीक है वो कौन सा कंडीशन हो जाएगा वो अंडर इन्फोर्स का कंडीशन हो जाएगा तो आप यहां से एमयू निकाल लिए नेक्स्ट क्या निकालना है आपको नेक्स्ट निकालना है आपको डेप्थ सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे आप सेकेंड स्टेप में निकालेंगे डेप्थ सॉरी फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे डेप्थ रिक्वायर्ड तो ये कितना होगा आपके पास d गोल्स टू कितना हो जाएगा पहले हम क्या लिए थे यहां पर बैलेंस सेक्शन में हम यहां क्या लिए थे एमयू लिमिटिंग अपॉन क्यू इन एफ सी के इन टू बी बट यहां पर क्या ले लेंगे हम यहां पर क्या ले लेंगे यहां पर हम ले लेंगे एम यू अपॉन क्यू इंटू एफ सी के इंटू बी क्लियर तो लिमिटिंग की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे लिमिटिंग की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे एम यू क्योंकि हमारे पास अंडर इनफोर्स कंडीशन में क्या होता है हमारे पास mu लेस देन क्या होता है हमारे पास एम यू लिमिटिंग है तो हम यहां पर पुट क्या करेंगे हम इसको हम यहां पुट करेंगे mu ना कि mu लिमिटिंग क्लियर है समझ में आया यहां तक नेक्स्ट अपन देखते हैं यहां पर थर्ड जो कंडीशन है वो कौन सी है अगर मान लीजिए आपने यहां पर mu जो निकाला है ठीक है आपने यहां पर mu जो निकाला ऐसी कंडीशन आपके पास आ गई कि आपका जो mu आपने जो निकाला ना यहां पर ये यह जो mu जो निकाला है वो क्या हो गया आपके पास ग्रेटर देन क्या आ गया आपके पास एम यू लिमिटिंग से क्या हो गया ज़्यादा आ गया तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है ये कौन सी कंडीशन बन जाती है ये बन जाती है ओवर री इनफोर्स कंडीशन ये कौन सी कंडीशन बन जाती है आपके पास ओवर री इन्फोर्स कंडीशन अच्छा लेकिन अगर मैं यहां पर इसको ओवर रिफोर्स कंडीशन से डिज़ाइन कर सकता हूँ क्या नहीं यहां पर क्या होता है आपके पास आई एस कोर्ट जो है वो क्या करता है इसको प्रोहिबिट करता है ऐसे टाइप के डिज़ाइन को आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड क्या किया आपको मना किया है ओवर इन इनफोर्स सेक्शन से डिजाइन करना क्यों क्योंकि आपका यहां पर जो फेलियर होता है वो कैसा होता है आपके पास ब्रिटल फेलियर होता है ब्रिटल फेलियर मतलब यहां पर स्टील फेल नहीं करेगा यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास जो कॉन्क्रीट है सीधा सीधा कॉन्क्रीट फेल हो जाएगा और वो क्या होगा आपके पास एकदम सडन फेलियर होगा वहां पर आपके पास कॉन्क्रीट कैसा एज अ ब्रिटल मटेरियल है तो वो आपके पास कोई प्रायर वार्निंग देगा नहीं वो अचानक से क्या हो जाएगा आपके पास जब भी वो लिमिट सेट में जाएगा वो अचानक से फेल हो जाएगा ठीक है तो यहां पर इसलिए ओवर इनफोर्स कंडीशन पे क्या होता है आपके पास प्रोहिबिट करता है आई एस फोर फाइव सिक्स कहता है कि आप ओवर इनफोर्स सेक्शन को आप डिज़ाइन नहीं करेंगे तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं दो ऑप्शन क्या बनते हैं कि आप क्या करिए यहां पर आपका जो डेप्थ जो है सेक्शन का जो डेप्थ है उसको क्या कर दीजिए आप बढ़ा दीजिए अगर मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया डेप्थ मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही आपके पास आ गई थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड एम के ऊपर आ गई अब इतना ज़्यादा तो हम वहाँ पर डेप्थ वहाँ पर करेंगे नहीं क्योंकि क्या हो जाएगा आपके पास पूरे स्ट्रक्चर पे अगर हम इतना बड़ा अगर हम वहाँ पे क्रॉस सेक्शन को हम डिज़ाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आप वहाँ पर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहाँ पर हम दूसरा जो कंडीशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम कि यहाँ पर डबली रिनफोर्स बीम हम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आ गई तो आप क्या करेंगे यहाँ पर डबली रिनफोर्स बीम से आप क्या करेंगे उसको डिज़ाइन करेंगे इसको मैं अच्छे से बताऊंगा डी आपको कैसे डिजाइन करना है अभी हम क्या करेंगे अभी हम एस डिज़ाइन कर रहे हैं क्या है वो सिंगली री बीम समझ में आया देखिए तो ये क्या था आपके पास ये थर्ड कंडीशन थी ये क्या थी आपके पास दिस इज योर थर्ड कंडीशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैलेंस्ड जो सेक्शन है बैलेंस सेक्शन को अगर मैं वहां पर सिर्फ क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं निकालना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए एम यू लिमिटिंग चाहिए एम यू लिमिटिंग क्या होता है आपके पास क्यू इन टू एफ सी के इन टू बी डी स्क्वायर वहां से आपको क्यू की वैल्यू पता है अलग अलग एफ वाई के लिए और आप वहां से क्या कर लोगे आप डी जो रिक्वायर्ड होगा जो डेप्थ जो होगा वो आप निकालोगे सेकेंड जो कंडीशन आती है कि आपने क्या किया यहाँ पर आपको कोई लोडिंग गिवन है आपको कोई लोड गिवन है लोड के कारण आप क्या कर रहे हो वहां से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो ठीक है आप वहां से मोमेंट निकाल रहे हो ये वाला मोमेंट अगर ये वाला मोमेंट क्या हो रहा है अगर एमयू लिमिटिंग से अगर कम आ रहा है तो मतलब आप उसको कैसे डिजाइन कर सकते हो आप उसको अंडर इन्फोर सेक्शन जैसे डिजाइन करेंगे ठीक है अंडर इन्फोर सेक्शन जैसे डिजाइन करेंगे तो बस क्या चेंजेस आ जाएगा आपके पास कि बैलेंस सेक्शन में आपने यहां पर जो एमयू लिमिटिंग जो लिया था आप वहां पर एमयू लिमिटिंग नहीं लोगे आप वहां पर क्या लोगे आप उसको एम यू रखेंगे ठीक है डिफरेंस आ जाएगा अगर आप एम यू लिमिटिंग रखेंगे ना तो वहां पर क्या होगा आपके पास जो डेप्थ वो होगा वो ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है आप एम यू रखोगे तो भी आपके पास स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेफ रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी तो क्या होगा आप यहाँ पर एम यू लिमिटिंग की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे एम यू वैल्यू पुट करेंगे क्लियर है एम यू कैसे निकालेंगे एम यू निकालने का मैंने आपको प्रोसीजर बताया एम यू के लिए मुझे क्या चाहिए लोड और इफ़ेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में इन केस अगर आपको क्लियर स्पेन गिवन है क्लियर लेंथ गिवन है तो आप वहां से एल इफेक्टिव निकाल लेंगे सिमिलरली दूसरी चीज क्या निकालना है मुझे लोड निकालना है तो लोड भी आपको बताया रहेगा लाइव लोड है कि डेड लोड है कितना कितना है आप ये दोनों लोड को ऐड करके आप वहां से लोड भी निकाल लेंगे क्लियर तो आप एमयू निकाल लिए आप एमयू लिमिटिंग आपको आता है दोनों को आपने कंपेयर किया अगर एमयू लेस देन एमयू लिमिटिंग है तो आप अंडर इन फोर सेक्शन से क्या करेंगे आप एनालाइज करेंगे क्लियर तो क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन क्या होता है आपको वो समझ में आ गया डिज़ाइनिंग का हमारे पास जो पहला जो पैरिमीटर है पहला पैरीमीटर क्या होता है क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन को हमें पता करना वो आपको पता है तो ये आपको इस तरीके से आप तीनों केस में देख सकते हैं